टेन इनवर्स टू, प्लस इनवर्स थ्री, प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस टेन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ये होगा वन प्लस टैन ऑफ टैन इनवर्स टू का होल स्क्वायर, ये होगा वन प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थ्री, तो टैन टैन इनवर्स कैंसिल होगा, तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, ये होगा नाइन फिफ्टीन। टन ऑफ वन बाय टू कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री, इसको मैं थीटा ले रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन हो गया टेन थीटा इज व्हाट, थीटा किसको रखा वन बाय टू कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री, है ना? हाँ सर। तो टू थीटा होगा कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री, कॉस टू थीटा हो गया रूट फाइव बाय थ्री। इसका मतलब कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना? दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर। रूट फाइव बाय थ्री लाइज इन बिटवीन जीरो टू फाइव बाय टू, वन बाय टू कॉस इनवर्स रूट फाइव बाय थ्री लाइज इन बिटवीन जीरो टू। अब ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, टैन 45 के अंदर होना चाहिए, मतलब जीरो टू वन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? तो टैन थीटा, इसको हम थीटा लेते हैं, तो टैन थीटा शुड बी लाइज इन बिटवीन जीरो टू वन के अंदर रहना चाहिए। हो सकता है कि आपका एक्सटर्नियस रूट्स मिले, तो आपके पास कॉस टू थीटा रूट फाइव बाई थ्री, हाउ टू फाइंड आउट टेन थीटा, टेन थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू कॉस टू थीटा कैसे लिखोगे? चलो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू, तो वो यूज कर दो ना, वन माइनस रूट फाइव बाय थ्री, जब कॉस थीटा हो गया, कॉस टू थीटा हुआ रूट फाइव बाय थ्री एंड बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन टू थीटा क्या होगा टू बाय थ्री, हाँ सर, विच इज थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू, इज इट लेस देन वन और नॉट? यस सर। तो सेटिस्फाई, तो यहाँ पे ये चीज क्यों रखा जाता है, कोई टेन थीटा को आप ऐसे रखोगे टेन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा, ये यूज करोगे तो आपको डबल वैल्यू मिला टेन थीटा का, तो देयर यू हैव टू चेक लेस देन वन की मोर देन वन जो भी।
इधर क्लियरली आ जाता है लेस देन वन, सपोज मोर देन वन होता फिर आंसर नहीं होगा। और कुछ हो गया? और किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। तो क्या करें, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो नहीं कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं? तो नए चैप्टर स्टार्ट करें। यस your new chapter is the limits इज लिमिट, लिमिट क्या होता है? लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू, आसपास का वैल्यू। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपका उसका नियरेस्ट वैल्यू। ऐसा नहीं कि नियरेस्ट डज नॉट मीन्स जैसे 1.8, इसका नियरेस्ट वैल्यू 1.7 नहीं है। ओके, इट मे बी 1.8800000001, ये भी होगा मतलब चलेगा, नहीं तो 1.799999, तो सो नेग्लिजिबल वैल्यू। ओके, 1.8 का नियरेस्ट ऐसा, 1.7 के 2 ऐसा कुछ नहीं होगा। सपोज दिस इज द कर्व, y इज इक्वल टू ठीक है, ऐसे तीन टाइप का मैंने ग्राफ लिया। ये सपोज आट एक्स इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू क्या होगा?
ये वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिटिंग है ये, दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैंने आट एक्स इक्वल टू ए पर मैं टेस्ट कर, मतलब आट एक्स इक्वल टू ए, ये वैल्यू आपका क्या होगा? ये जो पॉइंट क्या होगा? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए होगा, एक्स इक्वल टू ए ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा दैट कोऑर्डिनेट इज द ए कमा एफ ऑफ, एफ ऑफ ए, तो इसका हियर एफ ऑफ ए इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, राइट, एफ ऑफ ए इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। इसका पॉइंट क्या होगा? ए कमा नहीं, यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं है, देयर इज अ गैप, ठीक है, हियर फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दिस वन इज कंटिन्यूअस। दिस इज योर discontinuous function and moreover it is called removal discontinuous. ठीक है, एक पॉइंट रिमूव हुआ है, यहां पे क्या हुआ, ये भी ओपन, ये भी ओपन है, टच, ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, यहां पे भी फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों मतलब ये लाइन को टच नहीं कर रहे, दे आर नॉट टचिंग द लाइन, ठीक है, हियर ऑल्सो फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस वन ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और मोर पर्टिकुलर इट इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूअस, समझा? Yes. ये जंप हुआ है, ओके, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ए साइड, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड राइट साइड, ओके, राइट साइड ऑफ ए, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, LHL, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, फॉर दिस केस एक ही पॉइंट आपका रिमूव हुआ है, एक ही पॉइंट रिमूव हुआ है, ठीक है ना, आप इसका लेफ्ट राइट का चेक करोगे, दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, इफ यू चेक लेफ्ट वैल्यू, सॉरी, एज वेल एज राइट वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट रिमूव हुआ है ना,
here LHL is equal to RHL. For this case, LHL is equal to RHL, but not equal to functional value. F of at x equal to a, ठीक है, a पर. ऐसा नहीं कि यहाँ पे limiting value, functional value both remains same. यहाँ पे क्या हुआ? For this case, ये continuous था. क्योंकि point आपका exist किया है. तो here at x equal to a, LHL is equal to RHL is equal to functional value. समझा? यहाँ पे पॉइंट मतलब ये नहीं है, रिमूव पॉइंट रिमूव नहीं है, एग्जैक्ट मिला ए कमा एफ ऑफ ए मिल रहा है. फॉर दिस केस लिमिट एग्जिस्ट, हियर लिमिटिंग वैल्यू सेम एज फंक्शनल वैल्यू, हियर लिमिटिंग वैल्यू सेम एज फंक्शनल वैल्यू. तो मुझे जहां पे फंक्शनल वैल्यू मिलता है ना, नो नीड टू चेक लिमिट. फंक्शनल वैल्यू जहां पे नहीं मिलेगा, देयर यू हैव टू चेक योर लिमिट. लिमिटिंग वैल्यू सेम एज फंक्शनल वैल्यू, इनफैक्ट नो नीड टू फाइंड आउट लिमिट. फॉर दिस केस लिमिटिंग वैल्यू is not equal to functional value, but limit exists. This one, if LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. If LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. If LHL equal to RHL, functional value के साथ equal हो नहीं हो चलेगा. If LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. If LHL is equal to RHL, then limit exists. ठीक है? So आप limit कहाँ पे test करोगे? Limiting value. जहाँ पे function जो ग्राफिकली फंक्शन चेंज होने का चांस है, ठीक है. हेंस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल देन लिमिट एग्जिस्ट, राइट. If LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. If LHL is equal to RHL, is equal to functional value, then the function is क्या हुआ, मतलब वो गैप नहीं रहा, continuous, then the function is continuous. at x equal to a, वही पॉइंट पर आप continuous, आप पूरा बोल नहीं पाओगे कि continuous की नहीं, पूरा function continuous की नहीं है वो अभी नहीं बताएंगे. हम जो जो पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं वही पॉइंट पर बता रहे हैं. इफ एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल देन सॉरी इफ एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल बट नॉट इक्वल टू f of a, then the function is
discontinuous at that discontinuous point. And the discontinuous is called removal dip discontinuous. Ek point remove ho raha hai. Okay. If LHL is not equal to RHL, no need to test your F of A, then limit does not exist. Then the function is discontinuous at x equal to a. And the discontinuity is called jump discontinuous. ठीक है समझा? Yes sir. ठीक है, इसका मतलब एक पॉइंट रिमूव होगा तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. पूरा ग्राफ ऐसे कंटिन्यूस है तो मतलब कंटिन्यूस मतलब लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट का कोई मतलब ये नहीं, लिमिटिंग वैल्यू सेम एज फंक्शनल वैल्यू. जहां पे एक पॉइंट रिमूव हो रहा है देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, बट लिमिट एग्जिस्ट करेगा. बट जहां पे ऐसे गैप दे रहा है, ठीक है ना, जैसे आपका स्टेप फंक्शन क्या हुआ था, 0 to 1 के बाद जंप किया था ना, ऐसे ऐसे हुआ था, तो दिस ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, जंप डिसकंटिन्यूस. ये केस में आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. कहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 पर एग्जिस्ट नहीं होगा, समझा, 3 पर नहीं होगा. बट आप यहां पे टेस्ट करोगे होगा. Suppose you test at 1.5, then it is continuous. It is limit does exist. But 2 per test करोगे, left and right का limit अलग-अलग होता है. तो left and right कहाँ पे test करोगे, जहाँ पे function change होने का chance है. जहाँ पे function change होने का chance है, there you have to test your LHL and RHL. Suppose आपको दिया गया limit x tends to 2 to x square minus 5x plus 1, क्या होगा, तो मतलब क्या निकलना है इसमें, इसका limit value क्या होगा, ये आपका function when x equal to 2 इसका value क्या होगा, माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 10 प्लस 1 तो माइनस 1. तो ये जो होता है ना, दिस इज फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 2. यहाँ पे आपका गैप नहीं है, दिस वन सेम एज एफ ऑफ 2. यहाँ पे आपका जो पॉइंट रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है. बट लिमिट एक्सटेंस टू 2 x square minus 3x plus 2 upon क्या होगा, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, न्यूमिनेटर जीरो
वो भी जीरो। न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर जीरो जब होगा ना, तो यहाँ पे आपका लिमिट यूज होता है। मैं कुछ फॉर्मेट आपको बताऊंगा, इसमें क्या होगा, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू, इसको फैक्टराइज कर दो, यू गेट एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, हमें करेक्ट? यस सर। एक्स जब टू होगा आप इसको कैंसिल कर नहीं पाओगे, क्योंकि टू के लिए जीरो होगा, जीरो तो आप कैंसिल कर नहीं पाओगे, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा ना, तो इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, बट 2.00001 होगा तो कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे लिमिटिंग एग्जिस्ट करता है। एट x इक्वल टू टू यहाँ पे f ऑफ टू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिस्कंटीन्यूअस होगा एक पॉइंट पे। यस, यहाँ पे f ऑफ टू आप निकाल नहीं पाओगे, f ऑफ टू एग्जैक्ट f ऑफ टू डज नॉट एग्जिस्ट, बट लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिमिट जो होता है ना x का जगह 2 नहीं लिया जाता है, x का वैल्यू क्या रह जाता है, मतलब राइट साइड, इसका राइट एंड लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वैल्यू देखोगे इट इज 1.9999999, लाइक राइट साइड देखोगे इट इज 2.00000001, लाइक, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आप यहाँ पे जब 2.00000001000 टाइम्स 01 डालोगे, ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1.00001, लाइक दैट, ये भी आ जाएगा आपका -5.000, लाइक दैट, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा बट क्लोज टू 2 तक होगा। आप एक 2 के जगह, मतलब x के जगह जब 2 डालेंगे ना, वही वैल्यू दिखाएगा, बराबर नहीं? मैं इसको कैंसिल करने के बाद, क्योंकि लिमिट जब डालेंगे तो ये तो x इक्वल टू 2 तो एग्जैक्ट नहीं होता है, सपोज x के जगह आप 2.0000 ऐसे ले रहे हो, तो यहाँ पे बाद में मैं 2 डाल दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो वही होगा ना। हाँ सर, ठीक है ना, तो इसलिए क्या किया जाता है लिमिटिंग वैल्यू में, इसको पहले ट्राई किया जाता है, जो आपको जीरो बना रहा है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब जीरो होगा, तो जो टर्म आपको जीरो दे रहा है, एक्स माइनस टू जीरो हो रहा है, तो आपको क्या करेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये जब कैंसिल हो जाएगा ना, अब आप एक्स की जगह टू डाल दो, तो ये क्या होगा, 2-1/2-6, दैट इज 1/-1/5, ये उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। सपोज आपका क्वेश्चन होता लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x+12, तब क्या होगा? ये जीरो दे रहा है एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो दे रहा है, मतलब f of 2 एग्जिस्ट करे। हाँ, यहाँ पे f of 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, x x के जगह 2 डालेंगे तो 4 16 12, तो 16 16 32, आंसर क्या मिला, तो दिस इज इटसेल्फ f of 2, लिमिट x टेंस टू 2, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट, बट सेकंड केस में आपका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, f of 2 does not exist. सपोज क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंस टू 2 x square plus 3x plus 2 upon x square minus 8x plus 12, then एग्जिस्ट करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये
12/32 नहीं करेगा सर, नहीं करेगा सर, मेरे को लगा आपने नीचे प्लस 12/0 हाँ देन दिस बिकेम अनडिफाइंड. ओके तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हम उधर पहुंच नहीं पाए. पहुंचेंगे तो हम देखेंगे ना उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा. जब हम उधर नहीं पहुंच पा रहे तो लिमिट कैसे बताएंगे. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. समझा. तो इफ एनी ऑफ द लिमिट LHL और RHL सपोज कहीं केस में मतलब ये करना है और LHL RHL कहां पे टेस्ट करोगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का मॉड. क्या होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू कहां पे चेंज होता है. मॉड ऑफ एक्स माइनस टू कहां पे चेंज होता है. कुछ चेंज होगा क्या. इसमें कुछ चेंज हुआ क्या. नहीं. टू से बड़ा रखे कि टू से कम रखे कुछ चेंज हुआ क्या. तो हियर नो नीड टू चेक LHL एंड RHL. ठीक है. यहाँ पे आपका जब मोर देन टू रखोगे और लेस देन टू रखोगे आपका ये मॉडुलस चेंज होगा कि नहीं. मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या होता है. एक्स माइनस टू पे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू माइनस एक्स इफ एक्स टू माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन टू है ना. हाँ सर. तो लेस देन टू मतलब मैं 1.9999 रखने के बाद भी यही होगा ना. सपोज इफ यू टेक एक्स एज 1.9999999 तभी तो ये फंक्शन होगा ना कि नहीं. ये आप 2.000001 भी रखोगे तब इसको ही काउंट करोगे ना क्योंकि वो तो मैं एक्स मोर देन टू हो गया. तो हियर LHL and RHL you have to test. What is your RHL? Right hand limit. RHL का मतलब right hand limit. हाँ. RHL इधर क्या होगा. Limit extends to RHL का मतलब A होता है. Limit extends to A plus f of x. A प्लस मतलब A से बड़ा राइट साइड पे. ओके तो यहां फॉर दिस क्वेश्चन आपका RHL क्या होगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का मॉड. जब x का वैल्यू टू से बड़ा हो गया इसका मॉडुलस क्या होगा. एक्स माइनस टू होगा. x माइनस टू अपॉन x माइनस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू टू. अभी टू प्लस लिखने का नहीं है. मैंने टू प्लस लिखा तो ये चेंज कर दिया मैंने. जब मोर देन टू हुआ ना x माइनस टू का मॉडुलस x माइनस टू हो गया. अभी लिमिटिंग वैल्यू यूज करेंगे क्या होगा इसका. अब लिमिटिंग वैल्यू वन होगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा. व्हाट इज योर LHL. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या मिला. x का वैल्यू जब 2 से कम होगा x माइनस 2 का मॉड क्या होगा 2 माइनस x और माइनस ऑफ x माइनस 2. आंसर क्या हुआ माइनस. हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. So limit does not exist.
ये जो फंक्शन होगा ना, ये जंप डिसकंटिन्यूअस वाला फंक्शन होगा, समझाइए। राइट डाउन करना। तो 1 मिनट ऊपर जाएंगे।
तो लास्ट ग्राफ दिखाएंगे। और जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखा देंगे।
डन नो सर ओके एक चीज होता है डिफाइंड होता है नहीं तो अनडिफाइंड होता है, बट लिमिटिंग केस में जैसे ये क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज द डिफाइंड, ओके हियर इसको हम अनडिफाइंड नहीं बोल पाएंगे, दिस इज नॉट अनडिफाइंड, बट दिस वन अनडिफाइंड, दिस वन अनडिफाइंड, दिस वन डिफाइंड, दिस वन डिफाइंड, बट दिस इज, इसको क्या बोलेंगे? कौन से वाले क्वेश्चन? ये सेकंड सेकंड, इसको क्या बोलेंगे? ये डिफाइंड हुआ एफ ऑफ टू मुझे मिला, ये भी डिफाइंड हुआ एफ ऑफ टू मिला, यहाँ पे अनडिफाइंड हुआ क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जीरो आ गया, अनडिफाइंड हुआ, बट इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते इनडिटर्मिनेट, इसको हम डिटर्मिन नहीं कर पाते, ओके इसको अनडिफाइंड नहीं बोल पाएंगे, अनडिफाइंड मतलब आपका जो वैल्यू क्या होता है टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, टेंस टू इंफिनिटी नहीं तो टेंस टू माइनस इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ये ऐसा नहीं हुआ है, ये क्या हुआ? जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट आया, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। सो व्हेनेवर यू गेट इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट देयर यू हैव टू यूज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, दैट इज डिफरेंट इशू, बट देयर यू हैव टू चेक लिमिट। सो देयर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, ओके ऑल टोटल देयर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। There are seven indeterminate form. मतलब अगर function defined होगा तो हमेशा continuous. Defined होगा तो limit, limiting value functional value same है. उसमें point remove नहीं हो रहा है. वो function continuous. अगर undefined होगा तो. Undefined होगा तो मतलब उसका कुछ नहीं है. हम कुछ कर नहीं पाएंगे. वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे. तो आप एक जगह पहुँचोगे तो उसमें test करोगे ना. जब उधर हम पहुँच नहीं पा रहे क्या test करोगे? कैसे टेस्ट करोगे इसका लिमिटिंग आसपास का वैल्यू क्या होगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उधर हम पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होता है? देयर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वन इज द जीरो बाय जीरो, डोंट मेक इट वन, ओके व्हेन आई एम टेलिंग फॉर्म, फॉर्म डज नॉट मीन्स, देखो ये टर्म को ठीक से समझो, व्हाट इज फॉर्म? मैं बताऊंगा लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन साइन x, दिस इज कॉल्ड जीरो बाय जीरो फॉर्म, करेक्ट? लिमिट x टेंस टू जीरो जीरो अपॉन साइन x, दिस इज नॉट योर जीरो बाय जीरो फॉर्म, ये आपका जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं होता है, ये तो एग्जैक्ट जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको जीरो दे देगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो मतलब साइन एक्स तो साइन जीरो पर जीरो होगा, बट साइन एक्सटेंस टू जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो के तरफ जा रहे है, साइन का वैल्यू तो जीरो के आसपास रहेगा, एग्जैक्ट तो जीरो नहीं होगा ना,
तो ये जीरो बाई समथिंग हो गया, ये जीरो बाई समथिंग हो गया, तो आंसर जीरो हो जाएगा. दिस फॉर्म इज नॉट कॉल्ड जीरो बाई जीरो फॉर्म. यू गॉट माई पॉइंट? यस सर. आप लिमिट यूज करने के बाद वो जीरो बाय जीरो दिखना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय x और x अपॉन साइन x. तो x के जगह मैं जब जीरो के तरफ जा रहा हूँ, x का वैल्यू जब जीरो डाल रहा हूँ, एक्चुअली x का वैल्यू जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है. x जब जीरो की तरफ जा रहा है ना, ये जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, एग्जैक्ट दोनों जीरो नहीं होता है. देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड जीरो बाई जीरो फॉर्म. बट लिमिट x टेंड्स टू जीरो जीरो अपॉन साइन x, इट इज नॉट जीरो बाई जीरो फॉर्म. ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट जीरो ना. यस ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्ट जीरो, ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, टेंस टू जीरो नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्ट जीरो है. जीरो अपन समथिंग, ये जीरो हो जाएगा आंसर. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय जीरो, दिस इज नॉट योर जीरो बाय जीरो फॉर्म, अनडिफाइंड. ये आपका अनडिफाइंड होगा, समझा? फॉर मतलब आप लिमिट यूज करने के बाद आपको वो चीज दिखना चाहिए, वो फॉर्मेट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट जीरो बाई जीरो. ठीक है, और क्या होता है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, डोंट मेक इट वन, ऐसा कैंसिल नहीं होता है. ठीक है, और क्या होता है? वन रेस टू इंफिनिटी, यू नो वन का पावर एनीथिंग क्या होता है? One. But one power infinity क्या होगा? Anything मतलब that should be countable. आप 10 lakhs times 1 multiply करोगे, तो आप बोल दो ना मैं 10 lakhs times multiply कर रहा हूं, you will get 1. But ये कितने times आप multiply कर रहे हो? वन को कितने बार मल्टीप्लाई नहीं बता सकते, नहीं पता है, तो आप बता नहीं पाओगे. ठीक है, बट आपका फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा. इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, एक्स टेंस टू पाई बाय टू साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म. समझ में आया? यस. लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू वन टू द पावर टेन एक्स, दिस इज नॉट योर वन रेस टू वन वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म. ये नहीं होगा. इसका आंसर क्या होगा? ये टेंस टू पाई बाय टू नहीं, एग्जैक्ट पाई बाय टू, तो ये वन हो जाएगा. यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू माइनस में ये फ्लक्चुएट करता है, पाई बाय टू के आगे जाओ के पीछे जाओ ये चेंज होता जाएगा, तो इसलिए आप बता नहीं पाओगे. एंड द फॉर्मेट इज कॉल्ड फॉर्म इज कॉल्ड वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म. ये नहीं होता है, समझा? लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू साइन x टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा? दिस इज नॉट योर वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म. ये आंसर क्या होगा? पाई बाय टू के तरफ जा रहा है, मतलब ये प्रॉपर ये फ्रैक्शन दे रहा है. ये फ्रैक्शन दे रहा है, एग्जैक्ट वन नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन दे रहा है, फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी. कितना होगा?
मतलब 0.0099999 इसका पावर इनफिनिटी क्या होगा? अनडिफाइंड वो भी क्यों? ये 9/10 ना, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? 9/10 इसका पावर इनफिनिटी क्या होगा? फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी होता है तो क्या होता है? इसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, वैल्यू कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? सर कम जीरो की तरफ होगा था। हाँ, तो ये टेन ये जीरो की तरफ चला जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो की तरफ चला जाएगा। This is not 1:∞ form. This one not your 1:∞ form, but this is called 1:∞ form. समझा? हाँ सर। और क्या होता है? 0 to the power infinity. Yes, 0 to infinity. Zero power anything क्या होता है? Zero होता है। बट ये एनीथिंग नहीं है, नॉट काउंटेबल। और सो इनफिनिटी रेस्ट इनफिनिटी, इनफिनिटी रेस्ट इनफिनिटी वो तो इनफिनिट की तरफ जाएगा। 0 into infinity. यस, 0 into infinity. एक्चुअली ये यही फॉर्मेट है ना, 1/0 tends to infinity ना। तो 0 into infinity जीरो मत लिखना। और क्या होगा सर? 0 raised to 0 वो भी 0 raised to 0। यस, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अनडिफाइंड दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? हाँ, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सो 100 आएगा। सर 100 आएगा। तो 100 बिकेम इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। 100 के जगह मैं 20 लिखता, तो 20 तो इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। ये डिफाइंड हो रहा है क्या? आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है क्या? दे रहा है सर। कौन सा दे रहा है? नहीं सर, मतलब अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। एक जगह आपको इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी 100 दे रहा है, एक जगह दे रहा है 20 दे रहा है, किसी को माइनस 2000 दे देगा। तो डिफाइंड कैसे हुआ, डिटरमिन कैसे हुआ? बता पाओगे क्या इसका वैल्यू क्या होगा? नहीं सर। दैट्स इट, इज इनडिटरमिनेट, डिटरमिन कर नहीं पा रहे। हो गया 7। समझ में आया? तो उधर ही आपको लिमिट यूज करना पड़ता है।
समझाइए. सो दीज आर द indeterminate forms. So there are 7 indeterminate forms. Here you have to use limit. बाकी केस आपका डिफाइंड होगा, नहीं तो अनडिफाइंड होगा, और कुछ नहीं होगा. तो सर आप कब लाइक वो x को 0 और पाई बाय 2 ले रहे हैं, मतलब डायरेक्ट? सर आपने x का पाई बाय 2 एग्जैक्टली नहीं होता है, वो पाई बाय 2 के तरफ जाता है. x टेंड्स टू पाई बाय 2 ना, मैंने इक्वल लिखा है क्या? सर वो ये मैंने नहीं लिख रहा हूँ. इसको बोला जाता है x इक्वल टू पाई बाय 2. मैं लिख रहा हूं x टेंड्स टू पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 के तरफ जा रहा है. इट इज क्लोज टू पाई बाय 2, मतलब आप मान के चलो कि 89.99999 डिग्री ऐसे. तो उसके लिए तो tan डिफाइंड होगा ना. tan कहां पे अनडिफाइंड होता है? एग्जैक्ट पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड होता है. राइट फॉर मतलब आप लिमिट यूज करोगे तो वो ऐसे ऐसे फॉर्मेट में दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फॉर्म. एग्जैक्ट ऐसा नहीं है. मैं कभी नहीं लिखता हूं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऐसा लिमिट आपको पूछा जाएगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऐसा नहीं होता है. ओके, मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan x माइनस उस sec x, दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म. तो x का जगह मैं पाई बाय 2 जब डालता हूं ना, मुझे ये दिखना चाहिए, ये फॉर्मेट दिखना चाहिए. डन. तो लास्ट राइट राइट का लास्ट पार्ट कॉपी कर. Among them, these two are main format. Okay, 0 by 0 or infinity by infinity. These two are called main format. Baki sab sub form. Baki ye jo 5 format hai na, isme hum directly limit use nahi kiya jata hai. आपको फिर वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है, बाकी ये जो फॉर्मेट है ना, बाकी जो 5 फॉर्मेट्स बचा है उसको आप आइदर 0 by 0 फॉर्मेट बनाओगे, नहीं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनाओगे. जैसे अभी मैंने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan x माइनस sec x. ठीक है, इसके ऊपर आप लिमिट नहीं निकाल पाओगे. इसको आपको 0 by 0 नहीं तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्मेट करना पड़ेगा. कैसे करोगे? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, इसको साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस, क्या होगा? साइन x माइनस 1 अपन कॉस x. अब चेक करो कौन सा फॉर्मेट दिया. 0 by 0. यस, तो जो कुछ होगा इसमें आपका लिमिट यूज होगा, इसमें आप लिमिट नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे. तो
मतलब ये दो केस में यूज कर सकते हैं लिमिट। हाँ, दोनों केस में आपका लिमिट जो भी हमें जो आगे जो भी फॉर्मूला करेंगे ना, ये दो फॉर्मेट के ऊपर ही होगा। लिमिट का जो भी सब फॉर्मेट है, जितने सारे फॉर्मूले हैं, सब ये दो फॉर्मेट के ऊपर है। तो आपको आइदर 0/0 करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो ये इजीली 0/0 हो जाता है, ये जैसे आ गया ऐसे 0/0 फॉर्मेट हो गया। ये तो इन्फिनिटी को 1/0 कर देंगे तो 0/0 हो जाएगा, नहीं तो 0 को 1/∞ कर दोगे तो ∞/∞ फॉर्मेट हो गया। बाकी जितना पावर है ना, इसमें लॉग यूज होता है। लॉग यूज करने से क्या होगा, वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा ना। इसमें लॉग रखेंगे एक्चुअली फॉर्मेट कैसे आएगा, f(x)g(x) ये आपका फॉर्मेट हो सकता है 1:∞ लिमिट x टेंड्स टू a पर। तो इसको क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। लेट अस टेक दिस इज p(x) और दिस इज l लिमिट, तो हम क्या करेंगे लॉग l निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग इसमें यूज होगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g(x) into log of f(x). तो इसमें एक इंफिनिटी अपॉन जीरो रहेगा, नहीं तो जीरो सॉरी जीरो इंटू इंफिनिटी रहेगा, नहीं तो इंफिनिटी इंटू जीरो करने के टाइम पर पता चलेगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मेट होता है 0/0, नहीं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। बाकी सब फॉर्मेट को आप एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, देन आपका लिमिट मिलेगा। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा क्या होगा सर? लैम्डा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें कोई लिमिट काम नहीं करेगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f(x) प्लस g(x). आप इसको अलग अलग कर सकते हो, मैं बोल नहीं रहा हूं कि हमेशा कर पाओगे। अलग अलग कब करोगे, if both f(x) and g(x) defined नहीं, are in limiting form, indeterminate form, okay? समझ में आया? Yes sir, ऊपर 7 form में। Suppose ये limiting format में नहीं है, combined वाला limiting format में है, बट सेपरेट करने के बाद वो लिमिटिंग फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे सेपरेट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको कंबाइंड में लेना पड़ेगा। बट ये अलग अलग लिमिटिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप सपोज ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, ये भी 0/∞/∞ फॉर्मेट दे रहा है कि 1:∞ फॉर्मेट दे रहा है, देन यू कैन सेपरेट। मतलब अलग अलग देखना है ना? हाँ, अलग अलग लिख पाओगे, बट अलग लिमिटिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। नॉन लिमिट फॉर्मेट में आएगा तो नहीं होगा। f(x) और g(x) लिमिटिंग होना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके होगा, नहीं तो आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। यू गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन करने के टाइम पर पता चलेगा। ओके, प्लस के लिए प्लस कर सकते हो, माइनस के लिए
माइनस भी कर सकते हो। क्या होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टू द लैम्डा टाइम्स ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड क्या होगा प्रोवाइडेड ये होना चाहिए अदरवाइज आप सेपरेट कर नहीं पाओगे ठीक है इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इन इनडिटर्मिनेट अदरवाइज नहीं कर पाओगे ना मल्टीप्लीकेशन केस में ना डिवीजन केस में ना प्लस केस में ना माइनस केस में समझा हाँ सर बेटा लिख दिया ना इनडिटर्मिनेट लिखे सर ये बता Done? Yes, sir. Sir, division के लिए? Same thing. Multiplication, division एक ही rule होता है ना? अच्छा, और same condition. हाँ.
प्लस माइनस के लिए एक ही रूल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक ही रूल होता है, सिर्फ डिवीजन के लिए ये जीरो हो नहीं पाएगा, बस इतना। एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स कर रहे हो तो जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो आज इट इज रूल। कुछ फॉर्मूला पता है क्या? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन अपॉन ए टू दी पर सॉरी माइनस ए टू दी पर एन अपॉन एक्स माइनस ए, क्या हुआ? n into a to the power n minus 1। देखो इसका फॉर्मेट चेक करो, x के जगह में a डालूंगा, ये क्या दे रहा है? Use x is equal to a, ये क्या दे रहा है? जीरो जीरो पर ये जीरो 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 बाय जीरो फॉर्मेट दे रहा है ना? हाँ सर। ये आपका फॉर्मेट जीरो बाय जीरो पर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स बाय एक्स करो कि एक्स बाय साइन एक्स करो, आपका वन होगा। फॉर्मेट क्या दे रहा है चेक करो। So, वही इंटरमीडिएट जीरो बाय जीरो फॉर्म जो ऊपर देखा था। जीरो बाय जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स वन आएगा और आप एक्स बाय टेन एक्स भी करो। फॉर्मेट जीरो बाय जीरो को टेन करें। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स बाय एक्स जीरो वन आएगा सर। अनडिफाइंड अनडिफाइंड होगा। कॉस जीरो कितना होता है? नहीं था। नॉट इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक्स बाई कॉस एक्स होता तो सर डिफाइंड होगा, वो कंटिन्यूस होगा फंक्शन। क्या होगा आंसर? क्या होगा? जीरो। ये जीरो हो जाएगा। ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में नहीं था। इनडिटर्मिनेट मतलब नहीं होगा, मतलब वो डिटरमिन होगा नहीं तो अनडिफाइंड होगा, ये दोनों से कोई एक होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है। अच्छा इसमें भी और एक नोट करो, do you know graph of sin x and graph of y is equal to x? Yes sir।
कैसे होता है? y equal to x straight line, y is equal to x straight line होता है, हाँ, and y is equal to sin x इसके नीचे होता है, हाँ, और y is equal to tan x उसके ऊपर होता है, बताया था हमने क्लास में, हाँ सर, ठीक है, तीनों जीरो पर जीरो होते हैं, but sin x y is equal to x के नीचे रहता है, tan x उसके y is equal to x के लाइन के ऊपर रहता है, करेक्ट। तो कभी आपका क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा आपको, इसका आंसर क्या होगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा ना? नहीं, साइन एक्स बाय एक्स तो इंडिटरमिनेट फॉर्म, हाँ, बट इसका वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू वन दे रहा है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? क्लोज टू वन होगा, एक्चुअल वैल्यू क्लोज टू वन, एग्जैक्ट वन तो नहीं ना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब वन के आसपास का वैल्यू, बट ये वैल्यू वन से बड़ा होगा कि वन से कम होगा? सर वन से बड़ा होगा। साइन एक्स का वैल्यू बड़ा है कि वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू बड़ा है? ये जो वैल्यू होता है ना, जस्ट लेस देन वन होता है, इट इज लाइक 0.999999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। समझ में आया? हाँ सर। लिमिटिंग वैल्यू वन, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेंगे, ये तो एग्जैक्ट वन नहीं हो रहा है ना, तो आप वन लिख नहीं पाओगे। ये क्या है, इसका वैल्यू क्लोज टू वन बट वन से थोड़ा सा कम है, बिकॉज ऑफ जस्ट लेस देन वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका रिवर्स होता तो एक्स बाई साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो वन आता था सर। सर ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, जस्ट मोर देन वन होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा। टैन केस में देखेंगे तो एक्स बाय टेन एक्स सर जीरो होगा, क्योंकि टैन का वैल्यू बड़ा है, टेन एक्स बाय एक्स करेंगे तो क्या हुआ? वन वन सर। समझाइए कि नहीं? यस सर। तो सर आपने अभी तक मैंने वन टू थ्री दिया, हाँ क्या बोल रहे हो? तो सर आपने जो लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स लिखा, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली वन है, मतलब जो लिखा है ऊपर? हाँ एग्जैक्ट का, इसलिए तो लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है ना। अच्छा, इसलिए तो लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बोला है। एग्जैक्ट होता तो आपको फंक्शनल वैल्यू, उधर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए था। समझा सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x प्लस 1, ये 10 होता है, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, x इक्वल 3 के लिए फंक्शनल वैल्यू मिलता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू ढूंढा जाता है, आसपास का वैल्यू ढूंढना मतलब निकाला जाता है। तो ये वन मतलब इसका वैल्यू एग्जैक्ट वन नहीं है, इट इज क्लोज टू वन, और जो भी डिफरेंस आएगा ना वो नेग्लिजिबल डिफरेंस है,
बट ग्रेटेस्ट इंजर उसको मानता ही नहीं। आपको ये वैल्यू लेस देन वन दिखेगा, जस्ट भी लेस देन वन दिखेगा और ग्रेटेस्ट इंजर जीरो कर देगा वो, इसलिए तो इसका लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं ना इसको, थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू होता तो मैं लिमिट क्यों निकालता। हाँ सर, दोनों के समझा कैसे वो आया। Here, even you can write inverse में भी कर सकते हो, limit extends to zero
sin inverse x upon x also. Limit x tends to 0. x by sin inverse. ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. दिस टू रिमेन सेम. इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, ठीक है ना, तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा, x होगा साइन इनवर्स थीटा. और इफ यू कंसीडर दिस इज लैम्ब्डा, देन साइन इनवर्स लैम्ब्डा इज द x. यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा, इधर लैम्ब्डा हो जाएगा, वही फॉर्मेट दे दिया. ठीक है, साइन टैन में भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन करो नहीं तो इसका इनवर्स करो. दिस वन आल्सो लिमिट x टेंस टू जीरो टैन इनवर्स x अपॉन x. सो लिमिट x टेंस टू जीरो x बाय टैन इनवर्स. टैन में लिखो कि टैन इनवर्स में लिखो, साइन में लिखो कि साइन इनवर्स में लिखो. सर लिमिट डन. सर कॉस्टली भी है क्या कुछ ऐसा, वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, वन माइनस लिमिट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स. ये जीरो हो जाएगा. हाँ ये जीरो हो जाएगा, although it is coming zero by zero format, बाद में ये जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं है. नेक्स्ट फॉर्मूला कितना थर्ड तक हुआ था ना. लिमिट x टेंस टू जीरो a टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या है. ये फॉर्मूला पता है क्या, e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x. नहीं सर, वन होता है ये आपका ln a होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जगह e आ गया तो ln e, ln e वन हो गया. तो ये इसका सब फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू जीरो a रेस टू x माइनस वन अपॉन x होगा ln a, whereas e रेस टू x माइनस वन अपॉन x होगा तो वन होगा. बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो. और क्या फॉर्मूला बताए, स्कूल मतलब ये में हुआ होगा ना. नहीं हुआ क्या सर, स्कूल कॉलेज में तो हुआ होगा लिमिट सर. नहीं हुआ तब ऑफलाइन वो लोग नहीं गए, इसलिए गए तो नहीं था. लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस x टू दी पावर वन बाय x. ये e होता है. फॉर्मेट क्या दे रहा है, x टेंस टू दी पावर इनफिनिटी. यस, वन रेस टू इनफिनिटी.
और आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब उल्टा कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/x टू दी पावर x भी कर सकते हो, बोथ फॉर्मेट रिमेंस सेम, चेक करो। हाँ सर, x की जगह 1/x हो गया, ठीक है ना, मतलब x की जगह मैंने 1/y ले लिया, ठीक है, जब x टेंस टू जीरो y टेंस टू इंफिनिटी, तो 1+1/x टू दी पावर x, ठीक है ना, ये भी ये होगा, ये फॉर्मेट भी आपका 1:∞। एक्चुअली यहां से लॉग यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इफ यू यूज लॉग तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1+x/x, ये सर नो क्या हो जाता है, 1/x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये देखो ये फॉर्मेट क्या था, 1:∞ फॉर्मेट था, अभी देखो ये फॉर्मेट क्या मिला x टेंड्स टू जीरो के लिए, इनफिनिटी बाय x टेंड्स टू जीरो, ये x टेंड्स टू जीरो था सर, log 1 0/0 फॉर्मेट, ओके, log यूज करने से 1:∞ क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। Actually, both the formats remain same. Limit x tends to 0, ln of 1+x/x. So, ln e हो जाएगा. ln e मतलब you will get 1. मतलब दोनों साइड मैंने log यूज कर दिया. Actually, 5, 6 में कोई डिफरेंस नहीं है. But ठीक है, आपको ये फॉर्मेट दिखेगा तो 1, ये फॉर्मेट दिखेगा तो ये. समझाइए, हाँ सर समझा, और कुछ फॉर्मूला है क्या, ठीक है, बेसिकली दीज आर द फॉर्मूला, राइट डाउन, फाइंड आउट,
डन यस सर डन किसको नहीं मिला लिमिट एक्सटेंड्स टू टू इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसलिए हम लोग लिमिट निकालते हैं। हाँ ये आपका देखोगे x 2 डालोगे ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। हाँ सर तो 2 के लिए मतलब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहे उधर है। तो इसको फैक्टराइज करोगे यू विल गेट x माइनस 2 इनटू 2x प्लस 1 करेक्ट No, 2x minus 1 and denominator हो जाएगा x minus 2 into x minus 1 cancelled here no need to check LHD and sorry LHL and RHL क्योंकि ये straight function है left right के लिए ये change नहीं होने वाला है। okay तो जहां पे left right चेंज होने का चांस है देयर यू हैव टू चेक LHL एंड RHL। x के जगह 2 डालेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1 3 बाय 1 राइट यस सर यस सर। हां तो अगर सपोज में मॉड होता था तो फिर LHL और RHL चेक करना पड़ता था ना। हां जहां पे फंक्शन उधर चेंज होगा लेफ्ट राइट के लिए चेंज होता है तो इसलिए चेक करना पड़ता है। ये आपका क्यूबिक फंक्शन फैक्टराइज करोगे तो क्या मिला देखो x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x आपका डेफिनेट x माइनस 4 एक रहेगा ही रहेगा x माइनस 4 आपका एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा अदरवाइज ये 0 बाय 0 फॉर्मेट दे नहीं पाएगा। इफ इट इज कमिंग अंडर 0 बाय 0 फॉर्म इसका मतलब x इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा मतलब x माइनस 4 उसका एक फैक्टर होगा ही होगा तो विल गेट x x माइनस 4 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओके अपॉन x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 x प्लस 1 होगा ना करेक्ट। अभी x माइनस 4 कैंसिल होगा x की जगह 4 डालेंगे तो कितना होगा 15 15 बाय 5। इसका और एक अल्टरनेटिव मेथड है तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वो मोर इजी देन दिस अल्टिल नेक्स्ट टाइम ठीक है। यस सर और एक अल्टरनेटिव मेथड है एंड दैट इज कॉल्ड लोपिटल रूल बट आप बोर्ड में यूज नहीं कर पाओगे एंट्रेंस के लिए कर सकते हैं। सर उन्होंने बड़ा उस सिलेबस से निकाल दिया था हमारा। नहीं नहीं कोई बोर्ड में नहीं है। इफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी ये दो फॉर्मेट है ठीक है। Then this one same as limit x tends to a f dash x upon g dash x। ये ऐसे करते जाओगे कब तक करोगे जब तक आपको डिफाइंड फॉर्म नहीं आ जाए। आइदर डिफाइंड होगा नहीं तो अनडिफाइंड जो होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आपका खत्म होना चाहिए। सपोज यहां पे डिटर्मिन हो गया ओके डिटर्मिनेट नहीं हुआ सपोज वंस अगेन 0 बाय 0 फॉर्मेट आया फिर और एक बार डिफरेंशिएट इफ ओके एफ डबल डैश एक्स अपॉन सर ये अलग से लिखना है नोट करके। हाँ वो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है दैट इज कॉल्ड एच आपका साइलेंट हो जाता है लोपिटल रूल बोलते हैं।
ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे. ओके सर, चलो थैंक यू एंड बाय. थैंक यू सर, बाय सर, बाय.